कांग्रेस की बनाओगे जी? कम तो है जी बड़न का बेरा नहीं जी अपने घर की वोट अच्छा बहु पहले है 3,000 हो रही है। हाँ 3,000 हो रही है। के कहो थे जी आप कहो थे? घर घर में मरीज हो रहे जी। एक आदमी अगर मैं एक आदमी वो कमानिया नहीं जी किस चीज की सहायता दे रहे जी मोदी ये बताओ। उनका वाइस आयुष्मान कार्ड बना रहे पूरी फैमिली के बन रहे जी। पाँच लाख तक का कार्ड बना रहे बंद हो रहा है। अस्पताल में जाते हैं आयुष्मान कार्ड ने डॉक्टर मना कर दे तो अलाउड नहीं। ये तो सिर्फ अगर एडमिट हो गए तो ये अलाउड है। बिना बीमार हो एडमिट कैसे हो जाए? बिना बीमार तो दवाई भी नहीं लेको। वैसे थोड़ी बहुत बीमारी के जब आयुष्मान कार्ड ही बन रहा है तो किस लिए बन रहा है? कि फ्री इलाज हो, फ्री दवाई मिला। इसी से भी इंसान है जो दवाई लेते नहीं पैसे, वो दवाई दवाई लेने जाओ तो ना एडमिट कैसे कर लेंगे जब इतने बीमार नहीं कि एडमिट होने की नौबत आ रहा है। तो वो कहते हैं कि एडमिट हो गए तो आयुष्मान कार्ड लगेगा, नहीं तो 10-15 हज़ार रुपए ऊपर लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फिर भी पैसे भर के आने, फिर भी दवाई पैसे घर तक पैसे का जुगाड़ नहीं। आयुष्मान कार्ड बनवा लिए जेब में लेकर जा रहे हैं उनका फिर भी उपयोग नहीं हो रहा। बताओ आप पढ़ी लिखी महिला है जो पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार है कि मैं विकास कर रही हूं, आपको लगता है कि देश ने प्रगति की है या नहीं की है? देश का नहीं, जो अपने अपनी सरकार है, जो वायवा तो सरकार आती है अपनी अपनी जेब भरती है। सबसे पहली बात ये है कि जब उड्डा की सरकार थे बहुत बच्चे नौकरी पर लग गए थे, अब कोई नौकरी नहीं है। तो आपने बताया कि उड्डा की सरकार में बहुत सारी नौकरी लगा गई थी, बीजेपी सरकार का बिना खर्ची बिना पर्ची। ये तो सिर्फ कहने की बात है। सरकार बोलती है बच्चों को, सरकारी बहुत सारे बच्चों को भी ग्रुप डी में भी 4-4 साल वाला हो, 4 साल में वो तो ना तो नौकरी रंधे ना घर के रंधे ना घाट के वो काम होगा। तो ग्रुप डी की बात कर रहे हैं। ग्रुप डी में भी क्या है? कुछ भी नहीं। आप अग्निवीर की बात करें, हम ग्रुप डी की बात करें। मैं वैसे कह अग्निवीर में भी 4 साल में वो ना घर का ग्रुप डी में क्या है? एक दो बच्चा लगा दिया हाँ कारण सरकार लगा। अग्निवीर में कुछ नहीं, उनका 20 लाख रुपए रिटायरमेंट बैठाऊंगी 4 साल पाछे। सिर्फ कहने की बात। हरियाणा सरकार तो ये पेंशन बंद कर दिया गया, जब जो 2003 के बाद या 5 के बाद लगे हैं तो उनकी पेंशन बंद है। ये तो आगे बच्चे क्या खाएंगे? उतने रुपया हम रिटायरमेंट पे दे देंगे। ये तो सिर्फ कहने की बात है। ये जो सरकार आगे करेगी जब पता चलता। अब क्या किया इसने 10 साल में? पूरे होंगे। लोगों की जमीन तो खोसली नहीं, खाएंगे के वो भूखे मरेंगे। इतना बढ़िया 152 डी आपके 152 डी के ऊपर ऊपर गाड़ी चलेंगे, गरीब क्या खाएगा? वो खेत में अन्न नहीं होगा, सारे किले तो रोड़ा में निकाल दिए तो वह खाएंगे के जब पैदा तो करना जमीन नहीं बची। गांव जब गांव का विकास होगा, जब रोड होगी गांव से गांव को जोड़ गांव में गांव तो जोड़ दिए उनकी जमीन किसानों की तो खोस ली। वो एक बार पीछे दिख गया किसान तो कूदने लग गया, पर वो खाएंगे के जब गेहूं ही नहीं होंगे वो सारी जमीन तो रोड़ा में काट देना। पहले गाँव में जो अनाज का उत्पादन हो रहा था देश में बहुत कम हो रहा था, उससे भी ज्यादा हो रहा जमीन कम हो रही है। वो कम है, वो 2200 रुपये गेहूँ लेवा है। किसान अपनी जिन्स का रेट नहीं लगा सकता, सब अपनी चीज का मोल खुद बताते हैं तो किसान क्यों नहीं बता सकता? तो फिर कांग्रेस आदमियों का 1500 रुपये क्विंटल बिका दी, इन्हें 2200 कर दी। ये तो एक सब 10-10 रुपये तो सब बताए। मैं गुवाड़ा भी तो कितना बता दिया है। 4,000 करेगी कांग्रेस तो, कांग्रेस तो अगले साल सीधे 4,000 करेगी। तो फिर आप साथ में करे गरीबी, फिर गरीब आदमी कहाँ से लेगा इतने महंगे? फिर गरीब तो वो ये तो कोटा तो सब मिला है कोटा।